أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المذي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پڑھیں محمد والے میں حضرات گرامی قدر دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ آئے کریمہ کے ذیل میں میں اپنے عرائض کو رکھ سکوں. یہ مجلس چہلو میں شہدائے کربلا کے سلسلے کی ہے. اس سال بھی سالہائے گزشتہ کی طرح بڑی ہی شان و شوکت سے حسین مظلوم کا اربعین منایا گیا ہے. سرزمین کربلا پر انسانی سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر آج بھی لبیک یا حسین کے گونج میں یہ بتا رہا ہے دنیا کو حسین آج بھی زندہ ہے. تہذیبیں بدلی، تمدن بدلا، ذکر کا انداز بدلا، فکر کا سلیقہ بدلا، سب کچھ بدلا، نہ بدلا تو تہذیب اعضا نہ بدلی. عزیزان محترم، یہ عزاداری حسین کی جیت کا اعلان ہے. یہ عزاداری یزید کی شکست کا اعلان ہے. عزاداری دین کی بقا کا اعلان ہے. کس
किसी ने बादस करबला इमाम सज्जाद से ये सवाल किया, ऐ फर्जंद रसूल ये बताइए करबला में आपके बाबा शहीद हो गए और यजीद जिंदा रह गया, जीता कौन हारा कौन? दुनिया के तसव्वुर में यह है जो मारता है वो जीतता है, जो मर जाता है वो हार जाता है, मगर तारीख करबला ने फलसफे फतो शिकस्त को बदल के रख दिया। इमाम सज्जाद ने फरमाया रुक जा भाई थोड़ी देर और रुक जा, अजान का वक्त आने दे। मुअज्जिन गुलदस्ते अजान पर आया, कहा अल्लाहु अकबर, जब कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने कहा भाई इतना बता दे ये अजान में यजीद के दादा का जिक्र है कि मेरे दादा का? कहा ये तो आपके दाता का है, अब फैसला कर हुसैन जीते के यजीद जीता, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। जब तक दीन बाकी है हुसैन बाकी है, इसलिए कि हुसैन ने दीन को बचाया, हुसैन ने दीन को बचाया, हुसैन ने हुसैनियत को बचाया, इसलिए कि हुसैनियत और दीन अलग नहीं है, जो दीन है वही हुसैनियत है, जो हुसैनियत है वह दीन है, इसलिए कि इमाम मासूम के कौल का नाम दीन है, इमाम के फेल का नाम दीन है, इमाम के तकरीर का नाम दीन है, इमाम के किरदार का नाम दीन है, इमाम की रफ्तार का नाम दीन है, इमाम की गुफ्तार का नाम दीन है। इमाम उठते हैं तो दीन में उठने का सलीका यही है, इमाम बैठते हैं तो दीन में बैठने का सलीका यही है, इमाम खामोश रह जाते हैं तो यही वो मकाम है जहां में दीन में खामोश होना चाहिए, इमाम बोलते हैं तो वो मकाम बताते हैं जहां दीन में बोलना चाहिए। लिहाजा ये न समझो नमाज का नाम दीन है, रोजे का नाम दीन है, हज का नाम दीन है, जकात का नाम दीन है, ये तो अरकान दीन जरूर है, मगर हकीकत क्या है? मैं कहूंगा तो अगलू का इल्जाम लगेगा, आओ ख्वाजा अजमीरी से पूछे दीन क्या है, तो ख्वाजा अजमीरी ने अजमीर से ये कहा दीन अस्त हुसैन, हुसैन का नाम दीन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। आज ये दीन बाकी है तो इसी आजादारी का सदका है, ये अमानत ज़ैनब है, बड़ा अहतमाम किया परवरदगार आलम ने। आजादारी की तारीख पढ़ने का वक्त नहीं है, अगर तारीख आजादारी सद्दियदुश्शहदा को लिखे जाए तो ये तारीख बाद शहादत हुसैन लिखी नहीं जाएगी। आदम आए तौबा के लिए जिन नामों की तालीम दी गई, नामे हुसैन जबान पर आया आंखों में आंसू आ गए। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, तारीख आजादारी का आगाज तारीख आदमियत से होता है और उसके बाद एहतमाम परवरदगार आलम ने किया। बाद शहादत सवायकुल मुहर्रका इब्ने हजर हैसमी, ये वो आलम दीन है जिन्होंने इस किताब को लिखा ही इसलिए कि शियों के अकायद पर बिजलियां गिराई जाएं। सायका बिजली को कहते हैं, मुहर्रका जलाने वाली बिजलियां। उस किताब में वो खुद ये लिख रहे हैं कि जिस वक्त शहादत सैयदुश्शहदा वाकई हुई, जिस पत्थर को भी उठाया गया खून ताजा नजर आया। दम उन अबीद का लफ्ज है। इब्ने शहर आशूब लिखते हैं आसमान से खून की बारिश हुई। ये दो किताबों के हवाले के साथ दो बातें मैंने की है, जमीन से भी खून
आसमान से भी खून की बारिश, यानी ये मतलब ये है कि आज़ादारी सैयदुश्शहदा और शहादत सैयदुश्शहदा का असर ये है कि जमीन पर भी है आसमान पर भी है, इतना एहतमाम किया है। अजीजान मोहतरम, ये वाकये करबला अगर न होता तो क्या होता ये किसी को पता नहीं। हर जाकिर हर खतीब अपने अंदाज में जवाब देता है ये होता ये ना होता, ऐसा होता ऐसा ना होता, मगर हकीकत ये है कि हम नहीं बता सकते क्या होता क्या नहीं होता। क्यों? मछलियों से आप सवाल करें दरिया के किनारे खड़े होकर, पानी ना होता तो तेरी हयात का क्या होता, पानी ना हो तो तुम्हारी हयात का क्या होता। बहुक्म रब अगर मछलियों को बोलने की इजाजत मिल जाए तो यही जवाब मिलता, हमें क्या पता हमने बगैर पानी के कभी जिंदगी का तजरबा ही नहीं किया, जिंदगी का तजरबा ही नहीं किया। तो उसी तरह बगैर आजादारी के बगैर वाकये करबला के हमने कभी अपनी जिंदगी का कभी तजरबा ही नहीं किया, हमने तजरबा ही नहीं किया। हकीकत यह है कि आज ये दीन बाकी है तो इसी वाकये करबला की वजह से बाकी है। ये फर्श अज़ा, ये गिरिया व मातम सिर्फ इसलिए है कि दुनिया को मकसद हुसैन से आगाह करना है। इसलिए कि अगर सड़क पर खड़े होकर कोई हंसता है तो रास्ता चलने वाला कभी ये ना पूछता कि भाई क्यों हंस रहे हो, अगर रोते हैं तो फौरन मुतवज्जो हो जाता है क्यों आंसू बहा रहे हो। मजलूमियत में खुद इतनी ताकत है किसी और का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं। आज जो सुपर पावर है जिन्हें दुनिया में किसी से डर नहीं है, चाहे वो इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, आज उन्हें भी अगर डर है तो मजलूमों से डर है। यकीन ना आए तो आप देख लीजिए, मीडिया को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है जहां मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। जब इन्हें किसी का खौफ नहीं है तो मीडिया को इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि उन्हें भी डर रखता है मजलूमियत से। तो मजलूमियत किसी की मोहताज नहीं है। जिक्र मजलूम इसलिए जरूरी है कि हुसैन की मजलूमियत का जिक्र को वसीला बनाओ, गैरों तक फर्श गैरों को फर्श अदा तक बुलाओ। नामे हुसैन पर जब आपने गैरों को बुला लिया फिर जिम्मेदारी है मकसद हुसैन को पहुंचाओ, मकसद हुसैन को पहुंचाओ। मकसद हुसैन क्या है? यही दीन है, तहफ्फुज़ दीन है, जिसके लिए खालिक ने ऐलान किया वमई यब तक गैर अल इस्लाम दीना फल युक बेला मिन हूं वह हुआ फिल आखिरत मिन अल खासरीन। अगर इस्लाम से हटकर किसी और दीन के खाह हो गए फल युक बेला मिन हूं उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरत मिन अल खासरीन, ऐसा शख्स आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, फर्श अज़ा पर बैठे हैं, यह मुकद्दस शर्फ़ अज़ा है, यहां पर बीते हुए लम्हात अंधेरी कब्र के लिए लाले शब चराग है। यही तो है हमारे पास, वरना और क्या है इसके अलावा। और यह अमानत है सैयदा ज़ैनब की, हम जैसी कई नस्लें आती और जाती रहेगी मगर यह फर्श अज़ा हमेशा बिछता रहेगा। किसी के आने और जाने से यह आजादारी नहीं है। कभी किसी जाकिर को यह गुरूर यह घमंड ना हो कि आजादारी हमारी वजह से है। आजादारी किसी की वजह से नहीं है, हम आजादारी की वजह से है। आजादारी हमसे नहीं है, हम जैसे कहीं आए और गए आते रहेंगे, हमसे बेहतर आते रहेंगे। आजादारी की वजह से हमारी शनाख्त है। जब आजादारी की वजह से हमारी शनाख्त है तो फिर हम उस आजादारी को मकसद को समझे जिसके लिए हुसैन ने शहादतें दी हैं। इस्लाम इस कदर अजीम है
इस कदर अजीम है, इस कदर गरा कदर है कि हुसैन इब्ने अली जैसी शख्सियतों ने इस इस्लाम की हिफाजत के लिए शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए तो कयाम का मकसद इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, खुतबात उठाकर देखिए, वक्त नहीं है, ऐ माबूद ऐ परवरदिगार मैंने कयाम नहीं किया, मगर किस लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे दीन के निशानियों को दिखाना चाहता हूं। ले नोरिया मालिम दीनक, मैं तेरे दीन के निशानियों को दिखाना चाहता हूं और तेरे बेलाद में तेरी जमीन पर इस्लाह को जाहिर करना चाहता हूं। हुसैन का मकसद कयाम दीन है, लिहाजा इमाम हुसैन ने फरमाया या वैलकुम या शियत अबी सुफियान या शियत आले अबी सुफियान, तुफ हो तुम पर आले अबी सुफियान के चाहने वालों, इन लम यकुन लकुम दीनुन वकुन तुम ला तखाफूना यौमल माद फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम। यह है हुसैन का मैसेज, यह हुसैन का पैगाम, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है और रोजे कयामत का खौफ भी नहीं है तो तुम अपनी दुनिया में आजाद हो। अहरारन फी दुनिया को तुम आजाद हो अपनी दुनिया में, सब कुछ है दीन की वजह से। अभी मैं सुन रहा था नाजिम मोहतरम शहीद मोहसिन नकवी का शेर पढ़ रहे थे, बचा लिया जिसे सजदा हुसैन का वरना नमाज वक्त से पहले ही मर गई होती। यकीनन सजदा हुसैन इब्ने अली का सदका है, ये दीन बच गया, ये नमाजें बच गई। इसीलिए तो हम नमाज के बाद करबला का रुख करके सलाम पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्ला। ये सलाम नहीं बल्कि हुसैन से खिताब है, ऐ फरजंद रसूल, ऐ जिगर गोशे बतूल। ये नमाज इबादत तो खुदा की है मगर एहसान आपका है, आपकी वजह से हम अदा कर रहे हैं। तो जो कुछ है दीन वो हुसैन की वजह से है। तो अगर अपनी दुनिया में तुमको आजाद होना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना याद रख लो आखरत खसारे और घाटे में है। तो लिहाजा ये फर्श अज़ा, ये दरसगाह दीन है, ये दरसगाह हुसैनी है, कोई चीज दीन से बाहर नहीं है, सब चीज दीन के अंदर है। लिहाजा हर आजादार को दीनदार होना चाहिए, जो हकीकी मोमिन होगा वही हकीकी शिया है, वही हकीकी आजादार है। ये रास्ते अलग करने की कोशिश ना करें कि वो आजादार है, ये मोमिन है, वो नमाजी है, नहीं सब आजादार है। ये मरसिया खां वो शाहर, ये जाकिर नौहा का नाम और जिम्मेदारियां अलग होंगी मगर सब गुलाम है मौला हुसैन के, सब खिदमत अजा कर रहे हैं, सब आजादार हैं। तो अजीजान मोहतरम पैगाम यही है, आज अगर हुसैन का पैगाम दुनिया को पहुंचाना है तो सबसे पहले पैगाम हुसैन को खुद समझे। हुसैन ने शहादत क्यों दी, नमाजें किस लिए बचाई। अभी मिस्रा ने आपने सुना सजदे हुसैन ने नमाज को बचा लिया, तो क्यों बचा लिया, किसके लिए। अगर हमें नहीं पढ़ना है नमाज तो बचाया क्यों। सालेह औलाद वही होती है जो बुजुर्गों के अमानतों को कलेजे से लगा लेती है। अगर बाप दादा की कोई अंगूठी मीरास में हमें मिल जाए तो बड़ी मोहब्बत से हम उसे गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। तो आजादारी अजीजान मोहतरम, ये नमाज ये इबादत अमानत हुसैन का नाम है, अमानत हुसैन का नाम है नमाज,
अमानतदारी का तकाजा और सआदत मंदी का तकाजा यही है कि इन अमानतों का तहफ्फुज करो, इन अमानतों को अपने सीने से लगाए रखो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। अजीजदार मोहतरम, मैंने अपने मजलिस का मौजू ही नहीं छेड़ा कि मैं जानता हूं मेरे पास वक्त नहीं है, अगर मौजू को छेड़ देता तो बात काफी दूर तक चली जाती। हां, अभी आपने वकार सुल्तानपुरी साहब से भी सुना, दुनिया जाग रही है, दुनिया बेदार हो रही है। जोश से खिताब करके उन्होंने कहा, हर कौम पुकार रही है आज, वो हमारे है हुसैन। यकीनन ये मौजूदा तारीख नहीं है तो क्या है? दुनिया की सबसे छोटी छोटी कौम और दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा, कायनात की एक छोटी कौम है और तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करबला के मैदान में अरबईन का दिन, किस सलीके का इज्तिमा? पूरे मुसलमान हज के लिए भी जमा होते हैं। क्या होता है हज में? हज के नाम पे लाखों डॉलर लिए जाते हैं वहां पर। उसके बाद होता क्या है? ना पानी का इंतजाम, ना रहने का इंतजाम, ना रास्ते का इंतजाम। कभी 50 मरते हैं, कभी 200, कभी 400, कभी 500। आ जाइए करबला, तवज्जो चाहता हूं। वो मक्का, ये करबला, वो ख्वाब की जगह है, ये ताबीर ख्वाब की जगह है। ख्वाब और हकीकत में कितना फर्क है, ख्वाब और ताबीर ख्वाब में कितना फर्क है। वो मक्के का इंतजाम, करबला के इंतजाम देख लीजिए। अल्लाह अकबर, यहां पर हर कोई अपने घर मेहमान ले जाने के लिए बेचैन है। कोई पैर धुला रहा है, कोई जूते पोच रहा है, कोई तबर्रुक लेकर हाजिर हो रहा है। अल्लाह अकबर, यहां तकरीबन बहुत से हजरात होंगे जो अरबईन के मौके पर करबला गए होंगे। मालिक साले आइंदा हम सबको अरबईन के दिन करबला की जियारत अता फरमा। वो मकाम है जहां पर आप मसायब पढ़ने और सुनने की जरूरत नहीं, खिदमत आजादारी, खिदमत जायरीन को देखकर खुद बखुद जामे चश्म अशकों से छलक उठेंगे। कल जो हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा था, आज उस हुसैन के लिए कितना इंतजाम है। जैनब की तमन्ना पूरी हो रही है, जैनब के दिल में भी तमन्ना थी ना, चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का। चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, मगर जहां तमन्ना थी वहां पर ये दिल में शिकवा भी था, पुरसा भी या कोई नहीं जहरा की जाएगा। कोई पुरसा देने वाला उस वक्त नहीं था, कौन देता जैनब को पुरसा? इसलिए कि जैनब रोध ही नहीं सकती थी। करबला से लेकर शाम तक जब भी रोना चाहती थी, सकीना पर नजरें टिक जाती थी। जो सबको समझाती रही, अगर वो रो दे तो क्या होगा? हां जादारों, यह मजलिस अमानत जैनब तो जरूर है। पहली रस्मी मजलिस खाना यजीद में जैनब ने जरूर बरकपा की, मगर गैर रस्मी तौर पर इसकी इब्तिदा सकीना ने की। क्यों? इसलिए कि सकीना का दस्तूर यह था, शाम के जिंदान में सलाखों के पीछे बैठ जाती थी। शाम के छोटे छोटे बच्चे सलाखों की उस तरफ आकर बैठते थे और पूछते थे, बच्ची बता तू कहां के रहने वाली है, तेरा
तेरा कुर्ता फटा हुआ क्यों है? ये तेरे रुखसार लाल क्यों है? ये कानों से खून क्यों रिस रहा है? अजादारो, छोटे छोटे बच्चे सलाखों की उस तरफ, सकीना सलाखों की इस तरफ बैठ कर कहती थी, मेरे हमसिन बच्चियों सुनो, मैं यसरत की रहने वाली हूँ, मेरा बाबा हुसैन है, मेरा नाना रसूल है, मेरी दादी फातिमा है, सुनो कहानी मेरी, सुनो दास्तान गम मेरी। हम करबला आए थे, सातवीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया, दसवीं मुहर्रम को जंग का आगाज हुआ, मेरा एक भाई था अली अकबर, 18 साल का था, शबीह पैगंबर था, जंग के लिए मैदान गया, एक मर्तबा एक शकी ने नेजा मारा, मेरा भाई घोड़े पर संभल न सका, जमीन पर आया। अजादारो, कैद में सकीना शहादतें बयान करती थी, छोटे छोटे बच्चे आते थे सलाखों की उधर बैठकर ये दास्ताने गम सुनती थी। जैसे ही शाम हो जाती थी, सकीना कहती थी, बच्चों अब घर चले जाना, कल आना, एक और शहीद के मसायब सुनाऊंगी। छोटे छोटे बच्चे घरों को चले जाते थे, फिर उड़ते हुए परिंदों को देखती थी, जैनब का दामन थमाम के पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे वापिस कहाँ जा रहे हैं? जैनब कहती थी, बेटी जब शाम हो जाती है तो परिंदे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। एक मर्तबा सकीना पूछती थी, क्या फूफी अम्मा हम अपने घर नहीं जाएंगे? अल्लाह अकबर, पुरसे की मजलिस है आजादारो, पुरसा दीजिए, चहलुम की मजलिस है, चहलुम की मजलिस है, हम क्या घर लौट कर नहीं जाएंगे? फिर दोबारा दूसरे दिन बच्चे आते थे सलाखों के उधर, बच्चे बैठ जाते थे, सकीना इधर बैठती थी, कहती थी, हाँ मेरा एक 6 महीने का और भाई था, उसका हाल प्यास से बेहाल था, मेरे बाबा हुसैन मेरे भाई को लेकर मक्तल में गए, फौज जफाकार से खिताब करके कहा, अय फौज शफाकार, अगर तुम्हारी नज़रों में मैं खताकार हूँ तो इस बच्चे की क्या खता है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। मगर अल्लाह अकबर, पानी देने के बजाय एक तीरे से शोभा को चलाया, जिसकी वजह से मेरे 6 महीने के बच्चे के, बस रवायत के जुमले ये हैं, फजुब हतिफल मिनल उज़्न इलल उज़्न, बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो गया। अल्लाह अकबर, ज़िबा हो गया, 6 महीने की जान, 3 फल का तीर, मक्तल लिखता है, फ़ज़ुबे हतिफ़ मिनल उज़्ने इलल उज़्न, कान से कान तक बच्चा ज़िबा हो गया, फ़यनक़लिबु सबी अला यदैल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। अज़ादारो, सकीना शहादत बयान करती रही, बच्चे रोते रहे, एक मर्तबा जब शाम हो गई, सकीना ने फिर बच्चों से कहा, बच्चों अब घरों को वापस चले जाओ, तुम अपने घरों को जाओ, कल जरूर आना, कल बाबा के मसायब सुनाऊंगी। अज़ादारो, बच्चे तो घरों को वापस चले जाते हैं, सकीना सलाखों के पीछे खड़े होकर ढलती हुई शाम को देखती है, करबला का रुख करती है, कहा, बाबा ये मेरे सिन के बच्चे हैं, ये शाम होते होते घरों को चले जाते हैं, बाबा मैं कहाँ जाऊँ? अजादारो, ये सिलसिला चलता रहा, एक मर्तबा एक दिन वो बच्चे आए, सलाखों की तरफ देखने लगे, सकीना नजर नहीं आई, निगाहों से ढूंढते रहे, सकीना नजर नहीं आई, जैनब ने बढ़ के कहा, अरे बच्चों घरों को वापस चले जाओ, कल से ना आना, इसलिए कि जो बच्ची तुम्हें करबला के मसायब सुनाती थी वो अंधेरे कैद खाने में खुद सो गई। एक मर्तबा जैनब ने पीछे हटकर कब्र सकीना को दिखाया और कहा, बेटी उठो, दास्तान गम सुना।
यही वो नुक्ता था जिसकी वजह से शाम में इनकलाब आया। ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं अपने बाप को कहते हैं, बाबा बाबा वो मजलूमा मर गई, वो बच्ची मर गई। जब इनकलाब का खतरा महसूस किया, यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया, हुक्म रिहाई सुनाया। ज़ैनब ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी, तीन शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि एक घर खाली करवाया जाए जहां मैं खुल के अपने भैया को रोऊंगी। मैं सकीना की वजह से रो ना सकी, हाँ तबर्रुकात को वो भेज दे। अजादारों घर को एक मरतबा जहां लाल पर्दे लगे हुए थे, सुर्ख मखमली पर्दे लगे हुए थे, सियाह परचम से आरास्ता ज़ैनब ने किया। और उसके बाद शाम की औरतें आती थी और उसके बाद तबर्रुकात भी आए। अब सब सरों को उठा लिया अजीजों ने, दो सर ऐसे थे जिनका कोई उठाने वाला नहीं था। शाम की औरत ने उठ के कहा, क्या इन दोनों की माँ मर गई? ज़ैनब ने कहा, नहीं इनकी माँ जिंदा है, मगर इनका मातम नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जब तबर्रुकात आए तो यकीनन चादरें भी आई होगी। एक एक चादर को ज़ैनब ने एक एक बीबी के हवाले किया, यकीनन एक छोटी सी चादर भी आई होगी। अब ज़ैनब का दिल भराया होगा, कैदे शाम का रुख किया, आवाज दी बीबी सकीना, ये चादर किसे पहनाऊं? लौजादारों में मजलिस तमाम कर चुका, बस आखिरी मंजिल है। अब जो ये वापस मदीना जाना था तो ज़ैनब ने तीसरी शर्त यही रखी कि हम करबला होते हुए जाएंगे, लिहाजा एक रहनुमा की ज़रूरत है जो रास्ते की रहनुमाई करे। बशीर इब्ने जज़लम को साथ दिया गया। बशीर से सैयद सज्जाद ने कहा, काफिला कैसे होता हुआ जाएगा? कैद शाम पर ज़ैनब उतरी, रबाब उतरी, चादर को सकीना के कब्र पे डाल के ज़ैनब ने कहा, बेटी वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी, उठो सकीना, काफिला वतन जाता है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब तो उठ गई मगर रबाब नहीं उठी। अरे रबाब कैसे उठी? इसलिए कि ए दो बेटों दो औलाद को लेकर सर पे शौहर का साया लेकर वो करबला आई थी। करबला में सर से वाली का साया भी उठ गया और असगर की शहादत हो गई। एक बेटी सकीना जिंदा थी जिसकी वजह से रबाब जिंदा थी। अब जब रबाब भी न रही, सकीना खबरे, अरे रबाब खबरे सकीना से कैसे उठे? लौजादारो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भाभी करबला जाना है। रबाब उठी मगर चहलुम की मजलिस है, वक्त नहीं है। बस जो जुमले और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, अजादारो मैयत पर जीनात बेटियों से होती है ना, मैयत की जीनात बेटियों से होती है। चहलुम के मौके पर दूर दराज का आदमी भी आ जाता है, बेटियां आ जाती है, मैयत पे रौनक होती है, मजलिस में रौनक होती है, मगर ज़ैनब करबला गई घुटनों के बल चलते हुए, कब्र हुसैन पे सर रख के कहा, भैया हुसैन चहलुम के लिए आई हो। जो भी सफर से लौट के आता है सौगात सफर लाता है, मगर भैया सौगात सफर में दागे रसन लाई हूँ। भैया भैया मुझे माफ करना, आपकी अमानत सकीना को मैं कैद शाम में छोड़।